हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। दिस इज़ मनु योर होस्ट। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक डोर क्लोज़र की एडजस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में दरवाज़ा काफ़ी क्विकली बंद हो रहा है, जिसकी वजह से ये जा कर के टकराता है और अनप्लीज नॉइस क्रिएट करता है। सो इसे एडजस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो स्क्रूज़ दिए रहते हैं, जहाँ पर आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं। इन्हीं स्क्रूज़ को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और इसे एडजस्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैं आपको स्क्रू ड्राइवर लगा करके दिखा रहा हूँ, इन दोनों स्क्रूज़ को हम धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। पहले मैं नीचे वाले स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, दरवाज़ा बिल्कुल स्लोली बंद होगा टू दी 70% क्लोजर। मतलब 70% दरवाज़ा इस स्क्रू की एडजस्टमेंट के साथ स्लोली क्लोज होगा और बाकी का आप देख सकते हैं 30% जो मोशन था वो अभी भी वैसा ही है। इसे एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर वाले स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। उससे पहले मैं पहले स्क्रू को ही एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। अब देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बंद होने लग गया है। सो इस तरह से आपको एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट सेटिंग लेनी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्मूदली क्लोज हो। सो अब हम ऊपर वाले स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट में जा कर के इसका मोशन बहुत स्मूथ हो गया है और अब आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगर इस तरह के एडजस्टमेंट से ये सेट ना हो पाए तो हम डोर क्लोज़र को खोल लेंगे और इसके अंदर ऑयल फिल करेंगे, क्योंकि इस तरह की दिक्कत तभी आती है जब इसके अंदर का ऑयल लीक आउट हो जाता है। सो इसे आप खोल लीजिएगा। इसके खोलने के लिए 4 स्क्रूज़ लगे होंगे डोर क्लोज़र के ऊपर और 2 स्क्रूज़ लगे होंगे आर्म के ऊपर। सो इसे खोल लेने के बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऑयल की काफ़ी लीकेज हो चुकी है। सो होपफुली इसके अंदर काफ़ी कम ऑयल होगा। सो इसे दोबारा से फिल करने के लिए इस वाले कैप को हमें खोलना होगा। सो इसे खोलने के लिए मैं एक इसे स्टेशनरी पोजिशन पर फिट कर लेता हूँ 2 स्क्रूज़ की सहायता से। इस प्रकार से हम इसे एक स्टेशनरी पोजीशन पे फिट कर लेंगे और नोज़ प्लायर की सहायता से इसका जो आपको कैप नज़र आ रहा है इसे खोलेंगे। सो इसे खोल लेने के बाद आपको एक रिजर्वायर नज़र आएगा, तो इसके अंदर हम कोई भी इंजन ऑयल, निकला हुआ पुराना इंजन ऑयल या एक फ्रेश ऑयल इसके अंदर फिल कर देंगे। इसे पहले हम रिटर्न पोजीशन पे ले जाएंगे बिल्कुल घुमा करके, ताकि इसका पिस्टन बिल्कुल नीचे चला जाए और इसके अंदर रिजर्वायर की जगह बन जाए। और ऑयल फिल कर देने के बाद हम आर्म को वापस ले आएंगे। वापस धीरे धीरे लेके आइएगा, ताकि इसके वाल्व्स जो हैं दोनों ओपन हों और जो ऑयल है इसकी गैलरीज़ में पहुंच जाए। इसके बाद अगर आपके पास स्पेस बचती है तो थोड़ा और ऑयल इसमें ऐड कर देने के बाद इसके कैप को वापस लगा दीजिएगा। ऑयल कैप को वापस लगाते हुए थोड़ा बहुत ऑयल निकल सकता है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल फिल कर देते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आप चेक कीजिए, अभी ये बहुत क्विक रिटर्न आ रहा है। तो इसे हम यहीं पर इन दोनों स्क्रूज़ को एडजस्ट करेंगे और इसके मोशन को कंट्रोल करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा इसके मोशन में फ़र्क आने लगा है। अब देखिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो जो हमारा 30% क्लोजर है बिल्कुल लास्ट वाला, वो कंट्रोल हो चुका है, स्मूथ हो चुका है। सो अब हम नीचे वाले स्क्रू को टाइट करके इसका जो सारा मोशन है उसको भी कंट्रोल करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने इसको पूरा टाइट करके थोड़ा सा लूज़ किया, ये बिल्कुल स्मूदली रिटर्न जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा बिल्कुल भी जा करके बजेगा नहीं और बहुत स्मूदली क्लोज होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये आर्म में यहाँ पर बिल्कुल भी प्ले ना हो। सो फाइनली इसका एक मोशन दोबारा से चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये रिटर्न आ रहा है। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथली ये 70% क्लोजर तक आया, देन जो 30% क्लोजर है वो भी बिल्कुल इसके साथ मैच कर चुका है। सो फिटिंग करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ये आर्म है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ से, और यहाँ जहाँ एरो नज़र आ रहा है यहाँ पर एक स्क्रू दिया रहता है 10 नंबर का। इसे लूज़ या टाइट करके आप इसकी पोजिशन को सेट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से आप देखिए दरवाजे का मोशन कितना ज़्यादा स्मूद हो चुका है। इस तरह के मोशन से किसी भी प्रकार की
साउंड या अनप्लीज नॉइस क्रिएट नहीं होगी। सो इस छोटी सी वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको एक रेमेडियल टिप मिल गई होगी जिसकी सहायता से हम हाइड्रोलिक डोर क्लोजर्स को ठीक कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।